ऑसिलेशन्स या चैप्टर मध्ये आपल्याला पीरियॉडिक मोशन्स बद्दल बघायचे आहे नॉर्मली. पण पीरियॉडिक मोशन मध्ये पण असे मोशन की ज्याच्यामध्ये टू अँड फ्रो मोशन आहे. टू अँड फ्रो मोशन म्हणजे काय? आगे पीछे, ऊपर नीचे, मतलब अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे या ऊपर नीचे. तो ऐसा जो मोशन रहेगा उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है एक बार जान लेते हैं. ओके, व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? तो कोई भी मोशन खुद को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करती है. कोई भी मोशन, जैसे कि अर्थ, समझो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रही है. ओके, ये सन है और ये अर्थ, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रही है. तो पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, बराबर है. फिर से उसी टाइम के बाद फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है. इसका मतलब वो मोशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मेन पोजीशन पे आ जाती है और वो रिपीट होती है हमेशा. ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन. ठीक है भाई. पीरियोडिक मोशन दो तरीके का हो सकता है, कि ऐसे अपने मेन पोजीशन से जाके फिर से अपने मेन पोजीशन पे, या फिर एक मोशन ऐसे है, सबके इधर ब्लॉक है और इधर स्प्रिंग लगा है और इधर एक ब्लॉक है, या फिर इधर एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं रहेगा, ये ब्लॉक है. ब्लॉक मतलब ठोकरा एक ऑब्जेक्ट. ओके, ये ब्लॉक अगर हम लोग इसको इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, बराबर है. और खींच के उसको छोड़ देंगे तो फिर से ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? अपने मेन पोजीशन की तरफ आ जाएगा. लेकिन इधर आते समय वो इधर आके रुकेगा नहीं, क्योंकि वो इसकी साइड आ रहा है ना. तो इधर आने के बाद ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, इस पोजीशन से भी आगे निकल जाएगा और स्प्रिंग इधर कंप्रेस हो जाएगी. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसका मतलब ये जो मोशन है इसमें इस पोजीशन से इधर या इधर ब्लॉक का मोशन हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है. ये भी मोशन में पर्टिकुलर टाइम के बाद इधर से इधर, पर्टिकुलर टाइम के बाद इधर से इधर, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट हो रही है. ये भी मोशन क्या हो रही है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रही है. तो दोनों भी क्या है? पीरियोडिक मोशन, बराबर है. लेकिन हम लोग जो ऑसिलेशन में सीखने वाले हैं वो इस तरीके के मोशन के बारे में सीखते हैं, और इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन. क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है. टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे, आगे पीछे. किस पॉइंट के अबाउट? अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट. ये फिक्स पॉइंट है, इससे आगे या इससे पीछे, इससे आगे या इसके पीछे. लेकिन ये भी क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है ना. इसको इधर जाने के बाद इधर आके फिर से ओरिजिनल जगह पे आने के लिए सेम टाइम लगेगा, फिर से इधर जाके पीछे जाके फिर से ओरिजिनल जगह, सेम टाइम लगेगा. तो ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन. लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये एक स्टेट कंप्लीट करके रोटेट होके आ रही है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है. लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अपने मेन पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन बोलेंगे. ठीक है, ऑसिलेशन का मीनिंग समझा सकते हो? किसी को डाउट है ऑसिलेशन के मीनिंग में? चलो अभी ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा डिटेल सीखते हैं. ऑसिलेशन मोशन में दर्ज कर लो बोर्ड पे, सेम एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं. इधर एक स्प्रिंग अटैच है और एक रेफरेंस पोजीशन है, इस स्प्रिंग को एक ब्लॉक हम लोग ने अटैच किया. ओके, और इस ब्लॉक का मेन पॉइंट है, मतलब इसका ये रेफरेंस पोजीशन है, इसको हम लोग x इज इक्वल टू जीरो मानेंगे. ठीक है, लक्ष्य देख रहे हैं. तो इसको, इस पोजीशन को क्या मानेंगे? x इज इक्वल टू जीरो. मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक को राइट साइड में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं.
इस ब्लॉक के ऊपर क्या किया मैंने, राइट साइड की तरफ फोर्स अप्लाई किया। तो क्या होगा अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये जो स्प्रिंग है वो राइट साइड की तरफ स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब वो उसका पोजीशन कैसे रहेगा देखो, इसका बेस है हा? तो ये समझो इधर तक आ गए, ब्लॉक इधर तक आ गया अभी, बराबर। किसकी वजह से आ गया, एफ की वजह से। अभी इधर आने के बाद मैं एफ को छोड़ देता हूं, मतलब मैंने एफ ब्लॉक को रिलीज किया, तो अभी इसी में ये स्टेबल रहेगा। ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग स्ट्रेच पोजीशन में ही रहते हैं कि उसको फिर से कंप्रेस हो जाते हैं, वो फिर से कंप्रेस हो जाएगी। तो हम लोग जब इसको छोड़ देंगे तो स्प्रिंग अभी अपना काम करेगी, क्या करेगी, इस ब्लॉक को पीछे खींचेगी, बराबर है। तो पीछे खींचते समय ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा इधर तक, लेकिन इधर आके रुकेगा वो नहीं रुकेगा, क्या करेगा, ये अपना मोशन कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसके वजह से स्प्रिंग अभी क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगे। तो ये मोशन कैसे दिखेगा, ये ब्लॉक इधर आ चुका है, इस अपने पोजीशन से इतना डिस्टेंस कवर हुआ, इधर से इतना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। अभी एक बार इधर आने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस हो गई ना, कंप्रेस एक मिनिमम पॉइंट तक हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, फिर से अपने मेन पोजीशन की तरफ जाएगी ना वो, तो फिर से स्प्रिंग ऐसे दिखेगी, लेकिन एक्चुअली इधर आके वो रुकेगी नहीं, क्योंकि अभी उसका मोशन क्या है, उस डायरेक्शन में, तो इधर तक जाएगी, फिर से इधर आएगी, फिर से इधर जाएगी, फिर से इधर। तो ये कौन सा मोशन हो गया, इस मेन लाइन के अबाउट राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन हो गया। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। अब इस मोशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देखो, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया उसको मैं स्मॉल एफ मानता हूं, ओके। जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। जब मैंने फोर्स को अप्लाई किया और इधर आने के बाद उसको छोड़ दिया, तो इस ब्लॉक को पीछे की तरफ मूव करने के लिए इसके अंदर एक फोर्स अपने आप जनरेट हो गया, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रहा है, मैंने स्प्रिंग को खींचा मतलब फोर्स अप्लाई किया, छोड़ने के बाद स्प्रिंग अपने उस पोजीशन पे नहीं रुकती ना, वो पीछे आ जाती है, लेकिन जब पीछे आती है इसका मतलब कोई तो कोई फोर्स है ना इसके अंदर, तो वो जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है, बीम की तरफ है या बीम से दूर है, रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो अपने मेन पोजीशन की तरफ काम कर रहा है कि मेन पोजीशन से दूर काम कर रहा है, मेन पोजीशन की तरफ उसको लाने की कोशिश कर रहा है, किसको, ब्लॉक, ठीक है। जितना इस फोर्स को मैं ज्यादा अप्लाई करूंगा उतना ये बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस जाएगी ना, अभी मैंने इतना खींचा लेकिन और थोड़ा इधर तक खींचता हूं तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, बराबर है। लेकिन जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही रिटर्न पोजीशन का फोर्स ज्यादा रहेगा ना, बराबर है। इसका मतलब ये जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है एफ आर, वो किसके ऊपर डिपेंड है, मैं इसको कितना खींचता हूं एक्स, उस एक्स के ऊपर वो डिपेंड है, कौन डिपेंड है, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मैंने बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया इसका, इसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होगा और उतने फोर्स से उसको पीछे खींचेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके इधर छोड़ दिया तो थोड़ा सा ही पीछे आएगा, मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट किधर से, मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन से जितना ज्यादा आप अप्लाइड फोर्स करोगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स किसमें स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये रिस्टोरिंग फोर्स काम कब करेगा,
इस फोर्स को छोड़ने के बाद ये फोर्स काम करेगा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जब तक इसको मैं खींच रहा हूं तब तक स्प्रिंग पिछाएगी क्या? स्प्रिंग कब पिछाएगी? जैसे मैं उसको रिलीज करूंगा वैसे स्प्रिंग पिछाएगी, मतलब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो काम कब करेगा? जब मैं अप्लाई फोर्स छोड़ दूंगा तब, समझ में आ रहा है? तो ये बात याद रखो, रिस्टोरिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स जो है ना वो सेम है, जितना रिस्टोरिंग अप्लाइड फोर्स है उतना रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या आएगा? अपोजिट आएगा। मेरा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, मेरा रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्शन में। और एक बार रिस्टोरिंग फोर्स अपना काम कब चालू करता है? जब हम लोग अप्लाइड फोर्स छोड़ देते हैं, समझा? ठीक है, और आगे की बात, ये मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो किसके ऊपर डिपेंड है? मैं कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, किसका? बॉडी का, उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर इधर की डायरेक्शन में हो रहा है तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में है, तो दोनों के डायरेक्शन में क्या साइन आना चाहिए? माइनस ना। आगे के केस में देखो, अभी जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो एक तरीके का अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है ना, इधर स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है ना, इधर आने के बाद, इधर से इधर आने के बाद, रिटर्न आने के बाद इधर रुकेगी नहीं, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो रही है मतलब क्या हो रहा है? अपने मेन पोजीशन से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। हाँ, तो एक तरीके का भी अप्लाइड फोर्स है। जब तक इधर हम लोग इस स्प्रिंग की ये इधर जाएगी और रुकेगी, उसके बाद कौन सा फोर्स काम करेगा? अभी फिर से रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन जितना ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, उतना इधर का रिस्टोरिंग फोर्स उस डायरेक्शन में रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को कौन से पोजीशन में लाता है? देखो ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स इधर ला रहा है, इसको कंप्रेस हो गई हो, मतलब अप्लाइड फोर्स है एक तरीके का, लेकिन ये फोर्स का कैपेसिटी खत्म होने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? स्प्रिंग को फिर से इधर लाएगा। इधर लाएगा मतलब इधर कौन सा पोजीशन है? मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कौन से डायरेक्शन में बॉडी को लाता है? मेन पोजीशन की तरफ लाता है। और वो कितना रहता है डिस्प्लेसमेंट से, मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स में साइन कौन सा होता है? माइनस। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन जो मोशन फॉलो करती है ना उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SHM। तो ये पूरे चैप्टर में, आपको ये नाम सुनाई देगा, पूरे चैप्टर में, हर लेक्चर में 15-20 बार ये नाम आपको सुनाई देगा, SHM। SHM का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे पहचानने का ये सिंपल हार्मोनिक मोशन? जिस मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स को अपोजिट डायरेक्टेड है। मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्शन दो चीजें है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कब होगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा। कैसे पता चलता है? देखो ना, अगर मैं इसको कम खींचता हूं मतलब एस कम है, उसको कम फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन उसको ज्यादा खींचा मतलब एस ज्यादा हो गया, ज्यादा फोर्स से खींचाएगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड साथ में बढ़ता है साथ में कम होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन डायरेक्शन कैसा है? डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ है, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को कौन से पोजीशन में लाता है? मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में बोलते हैं। ओके, तो जिस मोशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग फोर्स विद अपोजिटली डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट फॉर्म इज SHM। ठीक है, अभी सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? देखो मैं क्या आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हार्मोनिक ये समझा सबको? ओके,
हार्मोनिक का मोशन देखो क्या होता है, जिस मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट एक तो ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कॉस ओमेगा टी से चलता है ना। ये जो हार्मोनिक फंक्शंस है, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक मतलब एक पर्टिकुलर उसका पैटर्न है, ये साइन का पैटर्न है, ये कॉस का पैटर्न, इसका पर्टिकुलर पैटर्न है ना, एक स्ट्रक्चर है, तो उसको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं साइन एंड कॉस को। तो जिस मोशन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हार्मोनिक टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अगर मिक्सचर होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस टू कॉस ओमेगा टी, ये रहेगा, दोनों का मिक्सिंग होगा कॉस एंड साइन का, तो वो नॉन हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग जो हार्मोनिक मोशन देख रहे हैं उसमें क्या है, सिंपल हार्मोनिक टर्म्स है, जैसे कि साइन अकेला या फिर कॉस अकेला, सिंगल साइन टर्म या सिंगल कॉस टर्म रहेगा, तब उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। उसका अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो वो नॉन हार्मोनिक मोशन है। समझा? आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया ना एफ आर इज इक्वल डायरेक्टली माइनस एक्स, और अभी आपने ये बताया एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इनका रिलेशन क्या है, इसको भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहे हैं, और हार्मोनिक के लिए आपने ये एक्सप्रेशन दी है, ये जो एक्स दिख रहा है एक्स ये डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है। अभी आगे आगे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे वैसे आपसे आपको पता चलेगा कि ये जो एक्स है ना वो इसी एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस होगा। इसका मतलब एक्स में साइन या कॉस टर्म रहेगा खाली, साइन कॉस मिक्स नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होता है मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये उसका रूल है, उसमें एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस इन रहता है, और लेकिन इसका तरीका क्या रहता है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक तो साइन ओमेगा टी के टर्म में आएगा या फिर कॉस ओमेगा टी, साइन एंड कॉस का मिक्सिंग नहीं। अरे समझा? इधर तक किसी को डाउट है? जो जो मैंने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं ना, तो मैं जो बोलता हूँ एक बार पढ़ो। पेज नंबर 109 पे तीन पैराग्राफ है राइट हैंड साइड के पार्ट में, 5.2 से 5.2 एंड 5.3 के आर्टिकल पढ़ो, 5.2 एंड 5.3, ओके। किधर तक पढ़ोगे आप? इक्वेशन 5.1 तक, समझा? बहुत बड़ा पार्ट मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, 5.2, 5.3, इक्वेशन 5.1 पेज नंबर 110 पे है ना, उधर तक पढ़ो आप। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, ऑसिलेशन चैप्टर में, ओके पढ़ो जरा एक बार। अब इस मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, इन सब टर्म्स का क्या क्या होता है अलग अलग पॉइंट पे, वो हम लोग को देखना है। मैंने क्या बोला, देखो इसका मीनिंग, मैंने क्या क्या टर्म्स का नाम लिया, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैंने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या होता है, ठीक है, ओके। सेम जो मोशन है वो हम लोग सिंपल पेंडुलम का भी बोल सकते हैं। सिंपल पेंडुलम में भी एक बॉब रहता है और एक सपोर्ट को स्ट्रिंग से इस बॉब को अटैच करें, बराबर है, ओके। जब वो राइट साइड में जाएगा तो ऐसे लिखेगा, जब वो लेफ्ट में जाएगा तो ऐसे लिखेगा, राइट, ओके। तो अभी इसका जो ये पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा पोजीशन, मेन पोजीशन, ठीक है। जब वो राइट में जाएगा एक्सट्रीम इधर तक, मैक्सिमम इधर तक जाएगा, ओके, तब इसका काइनेटिक एनर्जी इधर जीरो बन जाएगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी इधर जीरो बन जाएगा, क्या रीजन है? इधर मैं काइनेटिक एनर्जी जीरो मानता हूं,
एक्सट्रीम, इसको एक्सट्रीम पोजिशन बोलते हैं, मतलब एंड का। क्यों कैटेगराइज जीरो होगा उधर, लॉजिक क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक जगह पर रहता है कि ऑब्जेक्ट चलता फिरता है, मोशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। इधर आने के बाद वो मोशन में है कि रुक गया है? रुक गया है, इसका मतलब उधर वेलोसिटी जीरो बन गया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन वो अभी पीछे आने लगेगा, पीछे आते वक्त उसका स्पीड क्या हो जाएगा? एरो अप मतलब क्या है, वाहिना ना, इधर आने के बाद स्पीड जीरो बन गया, लेकिन पीछे आते वक्त उसका स्पीड अभी बढ़ने लगेगा, इधर स्पीड क्या है? जब वो पीछे आएगा तो उस वक्त उसका एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर मैक्सिमम था, अभी वो अपने पोजीशन की तरफ आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होगा कि बढ़ेगा? डिस्प्लेसमेंट कम होगा। और जब वो इधर आएगा फिर से तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। मतलब क्या हो रहा है, जब वो जीरो पे है और वो समझो जीरो से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम पे गया, इधर आने के बाद वेलोसिटी जीरो बन गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो बन गया, वो अभी फिर से पीछे आने लगेगा, पीछे आते वक्त उसका स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है मतलब एक्सीलरेशन भी है, बराबर ना? एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड, चाहे वो बढ़ने दो या कम होने दो, इधर स्पीड बढ़ रहा है मतलब एक्सीलरेशन भी है, और जब वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम। इधर आने के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इसका मतलब इधर वेलोसिटी मैक्सिमम होने के बाद वो इधर आके रुकेगा क्या? जिसका वेलोसिटी मैक्सिमम है वो एक जगह पे ठहरेगा क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा ना, जो मोशन है अब सर वो इधर ही क्यों जाएगा, पीछे नहीं क्यों आएगा? इनर्शिया पता है, इनर्शिया, इनर्शिया मतलब क्या? अपना स्टेट चेंज न करने की जो टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको इनर्शिया बोलते हैं। आप लोग अभी जगह पे बैठे हो, जब तक आपको मैं नहीं बोलता है इनर, अंदर से आपको आवाज नहीं आता कि अभी इधर से हिलना है, तब तक आप क्या करोगे? उसी पोजिशन पे ठहरोगे, ये हो गया आपका इनर्शिया। तो मराठी में क्या बोलता है? जड़त्व मानता है। तो इनर्शिया के वजह से बॉडी क्या करती है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, या फिर अगर वो एक कंटिन्यूस मोशन में है तो उसी कंटिन्यूस मोशन को वो फॉलो करती है। तो अभी इधर आने के बाद बॉडी का ये मोशन कंटिन्यू होगा ना आगे, इसलिए वो इधर आने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम होने के बावजूद पीछे नहीं जाएगी, तो अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है लेफ्ट की तरफ बढ़ने का वो क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी, मतलब इनर्शिया के वजह से वो ऑब्जेक्ट इधर से लेफ्ट में जाएगा, लेकिन जब इधर से लेफ्ट में जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगेगा ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगेगा लेकिन वेलोसिटी कम होने लगेगी, समझा? और इधर आने के बाद वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी।